तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका बकचोदी की बवासीर से भरी हुई इस वीडियो में। वैसे तो आपने दुनिया में बहुत सारी बीमारियों के बारे में सुना होगा, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में एक अलग ही बवासीर फैला हुआ है। ये एक ऐसा बवासीर है जिस जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी में फैला हुआ है। समस्या ये है, लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज संभव नहीं हो सका है। तो आइए जानते हैं आज के बकचोदी वाले बवासीर के बारे में। तो दोस्तों, उस बकचोदी का नाम है बादाम। तो दोस्तों, ये आजकल काचा बादाम कम हिलती गांड ज्यादा हो रहा है। अच्छा, तो आइए देखते हैं काचा बादाम की कुछ झलकियाँ। आइए देखते हैं, बैठ से मजा आएगा। इसके पहले ना मैंने ऐसा कभी भी बादाम देखा और ना ही कभी सुना। लगता है ये अलग ही प्रजाति का बादाम है और ये केवल चौड़ी गाड़ वालों के पास ही पाया जाता है। फिलहाल इसकी गांड तो हिलती है और हिलती ही रहेगी। चलिए हम लोग रुख करते हैं कमेंट बॉक्स का। तो भाई, कट्टर हिंदू महाकाल जी लिखते हैं, तुम्हारे पिताजी को आज बहुत गर्व हो रहा होगा। तो भाई, दीदी तो सेलिब्रिटी हैं, आपके कमेंट का जवाब देंगे नहीं। तो आपका कमेंट का रिप्लाई करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो भाई, कहानी ऐसी है कि किसी गाँव में एक शरारती बच्चा रहता था। तो एक बार वो क्या कर रहा था कि कहीं रोड पे खड़े होकर, बीच रोड पे खड़े होकर सुसु करने लग गया। तो किसी ने देखा तो उसने बोला, मैं तुम्हारे पिताजी से शिकायत करने जा रहा हूँ। तो वो जब पिताजी से शिकायत करने जाता है तो वहाँ देखता है कि उसका पिताजी जो है वहाँ पे बालकनी में खड़े होकर छत पे सुसु कर रहा था। आशा है आपको ये कहानी समझ आई होगी। अगर समझ ना आई हो तो मैं आपके लिए एक वीडियो प्ले करता हूँ, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। तेरी मेरी जोड़ी का ना कोई तोड़ से, माने चाहिए गति तेरे वर्गी। तो भाई, ये वीडियो देखने के बाद आपको हमारी कहानी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मुझे लगता है अब इससे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। इस सब के बाद चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली प्रतिभा की तरफ। इतनी सारी बकचोदी देखने के बाद अब मुझे बस एक ही रास्ता नजर आता है। बस कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। आंटी अपनी एज की उस स्टेज पर हैं जहाँ आंटी का एक पैर जमीन पे तो दूसरा पैर कब्र में है, लेकिन आंटी को तो कच्चे बादाम पे ठुमके लगाने हैं। जिस उम्र में आंटी को मंदिर जाके भजन सुनना चाहिए, उस उम्र में आंटी यहाँ आके कच्चे बादाम पे डांस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा मुझसे अब देखा नहीं जाएगा, इसलिए आज की बकचोदी को यहीं खत्म करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।